2019 के चुनाव से पहले मोदी को बड़ा झटका, एनडीए से अलग हुई चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने से इनकार के बाद उठाया कदम मोदी कैबिनेट में। टीडीपी कोटे के दोनों मंत्री अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी आज इस्तीफा देंगे। एनडीए से अलग होकर नायडू यूपी के साथ जा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के एनडीए से अलग होने के बावजूद मोदी सरकार पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। टीडीपी के 16 सांसदों के अलग होने के बाद एनडीए की सीट संख्या 315 रह जाएगी। अब आंध्र में बीजेपी के वाईएसआर कांग्रेस से हाथ मिलाने की अटकलें हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में आज भी हंगामे के आसार। टीडीपी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। इससे पहले कल संसद में पीएनबी घोटाले पर हंगामा हुआ था। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को कहना पड़ा था कि ये संसद है, बाजार नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के झुंझुनू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पूरे देश में लागू करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अभी 161 जिलों में चलाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी आज इसका विस्तार करके देश भर के 640 जिलों में शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री महिलाओं और बच्चियों से बातचीत भी करेंगे। त्रिपुरा तमिलनाडु कोलकाता से होते हुए मूर्ति तोड़ने की घटना अब यूपी तक पहुंच चुकी है। यूपी के मेरठ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। लोगों को हंगामे के बाद प्रशासन भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बदलवा रही है। नागालैंड में आज नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और नेफ्यू रियो आज सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल पीबी आचार्य सीएम और 11 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आईएनएक्स मीडिया घुसकांड में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का नार्को टेस्ट करा सकती है सीबीआई। इसके लिए सीबीआई आज कोर्ट में अपील करेगी। इसी मामले में वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। वीर सांघवी आईएनएक्स मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। टीम इंडिया में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पत्नी के गंभीर आरोप के बाद पहली बार कैमरे के सामने आए। कहा पत्नी हसीन जहां के आरोप गलत है, उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। शमी ने होली की तस्वीरें भी दिखाई जिसमें उनकी पत्नी और बच्ची भी है। शमी ने कहा कि अचानक 6 दिन में क्या हो गया जो उनकी पत्नी उन पर धमकी देने और अवैध संबंधों जैसे गंभीर आरोप लगा रही है। पत्नी के गंभीर आरोपों के बाद मोहम्मद शमी को बीसीसीआई की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इससे शमी को करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शमी फिलहाल अच्छी फॉर्म में चल रहे थे और दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर होने के बाद शमी का अब भारतीय टीम में भी चुने जाना मुश्किल नजर आ रहा है और आईपीएल से भी वो हो सकते हैं बाहर। आज T20 की ट्वाइस सीरीज में भारत का सामना करेगी बांग्लादेश की टीम। कोलंबो में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। गेंदबाज अक्षर पटेल को मिल सकता है मौका। श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में हार के बाद टीम इंडिया के लिए ये मैच बेहद ही जरूरी है। भारत बांग्लादेश से आज तक कोई T20 मैच नहीं हारा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।